तारीख को देश के 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए और उस चुनाव परिणाम के आने के बाद से ही देश होलीमय हो गया, उत्सवमय हो गया है, मोदीमय हो गया। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एसआर न्यूज। मैं ऋषि, मैं अभी मौजूद हूँ पटना में और यहाँ पे आज होली मिलन समारोह रविशंकर प्रसाद जी की उपस्थिति में मनाया जा रहा है। यहाँ पे मंगल पांडे हैं, नितिन नवीन जी हैं, तमाम बड़े नेता बीजेपी के यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जबरदस्त तरीके से होली मिलन समारोह यहाँ तक के डबल खुशी के साथ मनाया जा रहा है। जो यूपी में चुनाव जो नतीजा है बीजेपी का, जो बम्पर जीत हुई है 4 राज्यों में, जो 5 राज्य का चुनाव का रिजल्ट आया है, 1 राज्य छोड़कर 4 राज्य में बीजेपी की जो जीत हुई है उसकी खुशी डबल देखने को मिल रही है यहाँ पे लोगों में। नितिन नवीन ने क्या कहा वो भी आप देख सकते हैं और मंगल पांडे ने देशवासियों को क्या संदेश दिया वो भी मेरे आप चैनल पर सुन सकते हैं, उन्होंने क्या कहा। आइए आप देखते हैं यहाँ पर का मंजर, काफी तादाद भीड़ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं रविशंकर प्रसाद जी को तमाम लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, अबीर गुलाल लगाया जा रहा है, तमाम खुशी का उत्साह है, जबरदस्त यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है। तमाम लोग आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, तमाम भीड़ यहाँ पे तो काफ़ी उत्साहित है। यहाँ पे बीजेपी जितने भी कार्यकर्ता हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सर, यूपी की जीत को कैसे देख रहे हैं सर? कितने यूपी में बम्पर जीत हुई और आज होली मिलन भी है, डबल खुशी सर। 10 तारीख को देश के 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए और उस चुनाव परिणाम के आने के बाद से ही देश होलीमय हो गया, उत्सवमय हो गया है, मोदीमय हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और आज आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि कोरोना के 2 साल के संकटों के बाद जब देश बाहर निकला है तो होली का उत्सव डबल खुशी लग रही है, दिख रही है। और पूरा देश जब खुश है तो पटना की जनता तो खुश रहेगी, बिहार की जनता खुश रहेगी। देशवासियों को कैसे शुभकामनाएं देंगे सर? संपूर्ण राज्यवासियों को होली की बहुत शुभकामनाएं। कैसे पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को, पटना वासियों को, देश भगवा के रंग से रंग गया है और होली का जो ये फागुन का त्यौहार देश दुनिया में माननीय रविशंकर प्रसाद जी आज इसलिए होली के त्यौहार को दुनिया में और देश में जाने के लिए। और यूपी के जीत को कैसे देखते हैं सर? देश में भगवा लहरा गया है और हम सब लोग भगवा के रंग।